गाइस वेलकम टू माय चैनल गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। सो गाइस, आज के वीडियो में हम केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आर्मी मतलब डिफेंस सेक्टर का जो नया आप ड्रोन बोल सकते हो नागा शस्त्र जो लॉन्च हुआ है, उसकी थोड़ी सी डिटेल में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसलिए आपको वीडियो पर पूरा एंड तक बने रहना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि इसने दो बार बोनस की सौगात दी है लोगों को, दो बार बोनस दिए हैं। एंड अभी आप देख रहे हो ये स्टॉक मैक्सिमम, जैसे कि इसने अभी 7000% तक का रिटर्न दिया। एंड 5 साल में आप देखोगे तो 8 मतलब 85% का रिटर्न देखने को मिलता है। एंड हल्का सा गिरा था ये फ्राइडे के दिन, लेकिन इसमें तेजी भी आई थी 1% की, वहीं 1% तक तो ज़्यादा की इसमें गिरावट भी देखने को मिली। ठीक है, तो आप कह सकते हो थोड़ा सा बड़ा फिर गिरा, मतलब जहाँ प्रॉफिट बाइंग थी तो वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। लेकिन 3 साल में अभी तक इसने 99% तक का रिटर्न दिया है और कंपनी दो बार बोनस शेयर दे चुकी है। मतलब किसी ने अभी 1 लाख रुपये लगाए होते तो उसको 3 साल में ही वो करोड़पति बन चुका होता। गाइस क्यों, रीजन क्या है, जैसे केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयर 2020 के आसपास 17-18 पे ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगा कर उस पर 5455 शेयर मिले होते तो 2 साल में इसने दो बार बोनस दिया है तो अभी तक उसके 16,365 शेयर हो चुके होते और उसकी वैल्यू 3 करोड़ रुपए हो रही होती, जिस तरीके से अभी शेयर प्राइस चल रहा है। केपीआई ग्रीन एनर्जी ने पिछले 2 साल में दो बार बोनस शेयर दिए हैं। कंपनी ने जनवरी 2023 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिया था। देखिए, यानी कि कंपनी ने हर शेयर पे 1 बोनस शेयर दिया। केपीआई ग्रीन एनर्जी ने फरवरी 2024 में 1:2 के रेशियो में बोनस दिए, यानी कि कंपनी ने हर 2 शेयर पे 1 बोनस शेयर दिया। गाइस भाई, अगर बात की जाए केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयर पिछले 1 साल में इसमें नियर अबाउट हमें 327% का रिटर्न देखने को मिलता है। देखिए, साल भर में दे रहे हैं स्टॉक। सोलर कंपनी के शेयर ने 19 जून 2023 को 430 रुपये पे थे ये, एंड कंपनी के शेयर वहीं 14 जून 2024 को 1840 या 34 के आसपास देखने को मिले हैं। केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयरों ने पिछले 6 महीने में ही निवेशकों का पैसा 2 गुना करा है, अगर आप ध्यान दें तो। ठीक है, 100% रिटर्न दे रही है कंपनी। गाइस मैक्सिमम इसका मार्केट क्या बोला जाए तो 11,000 करोड़ का देखने को मिलता है। 52 वीक हाई 2100 है एंड 52 वीक लो 425 रुपये देखने को मिलता है। तो गाइस आप सोच ही सकते हो इस स्टॉक ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है और अभी भी इतना पोटेंशियल लगता है कि लोगों को ये काफ़ी अच्छा रिटर्न और भी ज़्यादा दे सकता है। मतलब ये नियर अबाउट 2000 से ऊपर 2500-3000 तक भी इस साल के अंदर अंदर जाता हुआ देखने को आपको मिल सकता है। गाइस मैं अगर मैं आपसे बात करूँ नागा शस्त्र कामिकाजे ड्रोन्स के बारे में, तो गाइस इसकी जानकारी मुझे आप लोगों को ये देनी है, लेकिन पहले आपको वीडियो को पूरा एंड तक बने रहना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ये नोटिफिकेशन के लिए। चलिए गाइस वीडियो को शॉर्ट करते हुए आप लोगों को मैं इसके बारे में बता दूँ। देखिए, दुश्मनों की खैर नहीं है, घर में घुसकर तबाही मचाएगा ये वाला ड्रोन सेक्टर। गाइस देखिए, आपको पता होगा मैंने वीडियो अपनी मेरे दूसरा चैनल स्टॉक मार्केट बाय आरएन उस पर मैंने डाली हुई है। अगर आपको देखना होगा ना सिलेक्टेड स्टॉक कौन सी कंपनी जो ज़्यादा जंप मारने वाली है, उस कंपनी के बारे में फुल टू डिटेल वीडियो बनाया हुआ, आप उसको वॉच करके चल सकते हैं। गाइस भारतीय सेना में एक खास हथियार की एंट्री हुई है। ठीक है, एंड ये हथियार की पिक्चर तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो। गाइस ये हथियार इतना खूंखार है कि ये दुश्मन के घर में घुसकर उसकी रणनीतियों को तुरंत विफल कर देगा, मतलब पूरा का पूरा वो चौपट कर देगा। ये बिना नजर आए दुश्मनों के अड्डे पर अचानक हमला कर सकता है। आप देखो, मैं इसकी खूबियां बता रही हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस नए जो हथियार है उसका नाम है नागा शस्त्र 1। पूरी तरह से ये तकनीक से बना है, जो स्वदेशी मतलब जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज हों उसकी तकनीक के अकॉर्डिंगली बना है यह ड्रोन। भारत के दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा कर सकता है। इस पहले ही चरण में ऐसे 120 ड्रोन भारतीय सेना में शामिल किए गए हैं। नागा शस्त्र सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नामक कंपनी ने इस ड्रोन को विकसित किया है। गाइस नागा शस्त्र 1 को एक प्रकार का आत्मघाती ड्रोन भी कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए यह ड्रोन किसी खास इलाके में बिना नजर आए काफी देर तक आसमान में मंडरा सकता है। हालांकि यह तब तक हमला नहीं करेगा जब तक कि यह लक्ष्य की पहचान ना कर ले और उसे लॉक ना कर ले। जब सांप हमला करता है तो एक पहले ही वह अपना फन उठाता है और लक्ष्य के चारों ओर घूमता है। अगर लक्ष्य तय हो जाए तो सांप अगले ही पर उस पर वार कर देते हैं। ऐसे इस ड्रोन का नाम भी इसी विचार के आधार पर नागा शस्त्र रखा गया है। गाइस भारतीय सेना ने 400
480 नागशस्त्र ड्रोन के निर्माण के लिए नागपुर की कंपनी को ऑर्डर दिया है। पहले चरण में सेना को 120 ड्रोन मिले हैं एंड समाचार एजेंसी NNI को भी दिए इंटरव्यू में सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी कहा है कि ड्रोन खरीदने से पहले जांच की जाती है। रिजल्ट सफल होने के बाद ही नागपुर कंपनी को हरी झंडी दी गई थी। गाइस देखिए, फिलहाल सेना के शस्त्रागार में 120 ड्रोन रखने की व्यवस्था की गई है, जो हथियार रखने वाली जगह होती है ना, शस्त्रागार बोला जाता है, जैसे कि आप कह लीजिए लाइब्रेरी बोलते हैं ना बुक्स की, ऐसी हथियारों की भी होती है। देखिए, सेना के सूत्रों के मुताबिक एक नागशस्त्र वन का वजन करीब 9 किलोग्राम है। ये ड्रोन 2 मीटर के दायरे में लक्ष्य को निशाना बना सकते हैं। ये 30 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं। नागशस्त्र 1 घंटे तक आसमान में उड़ सकता है एंड प्रत्येक ड्रोन 2 किलोग्राम वजन ले सकता है। प्रत्येक ड्रोन में उच्च गुणवत्ता वाले GPS का उपयोग किया गया है। यह ड्रोन रात के अंधेरे में निगरानी कर सकता है और निर्माता के अनुसार नागशस्त्र में टारगेट के बाद ही लगभग सटीक हमला करने की क्षमता है। तो गाइस देखिए, चीज़ें कितनी सुन रहे हो, कितनी अच्छी इसके बारे में देखने को मिल रही है। गाइस मैं आपको यही कहूँगी कि इसको थोड़ा सा नज़र बनाकर चलिए। सिलेक्टेड कंपनी में देखिए, सेना के सूत्रों के मुताबिक गाइस ये भी पता लगता है कि नागशस्त्र वन का वजन करीब, जैसे कि मैंने आपको बताया, 9 किलोग्राम है। गाइस साथ करा देखिए, एक पॉजिटिव ये भी चीज़ है कि शक्ति यही खत्म नहीं होती है नागशस्त्र की। इन ड्रोन को उड़ाने के लिए सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण, मतलब विशेष ट्रेनिंग, स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस ड्रोन का मूल मंत्र है लक्ष्य पर प्रहार करो और उसे वहीं नष्ट कर दो। गाइस आगे चाहे तो नागशस्त्र वन को हमला करने से पहले वापस बुलाया जा सकता है यदि कोई मिशन विफल हो जाता है तो, या नागशस्त्र वन लक्ष्य को ठीक से टारगेट करने में विफल रहता है तो सेना उन्हें वापस ले सकती है। लेकिन गाइस इसका पता फंडा क्या है, ये जब अपने टारगेट को देख लेता है ना, तो ये वहां तो हमला करता ही करता है, साथ में खुद भी ब्लास्ट हो जाता है, ये वापस नहीं आता है। अगर इसको उसका टारगेट मिल गया तो ये वहीं पे उसको क्लिक करके वहां पर विस्फोट कर देता है, भ्रूम आप ही कह सकते हो, और साथ में साथ ही खुद भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए देखिए, ह्यूमन की टेंडेंसी को देखते हुए काफ़ी उनकी सेफ्टी को लेकर ही बनाया गया है। तो कहीं दूर कहीं पे हमला करना हो अपने अपने आप कह सकते हो दुश्मनों पर, तो उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। और जैसे जैसे हमारा डिफेंस सेक्टर ग्रो हो रहा है, तो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनियों में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो गाइस इस ड्रोन को जिसने भी बनाया है उस कंपनी के बारे में वीडियो मैंने बनाया हुआ है मेरे दूसरे चैनल पे, आप उस पर जाकर वॉच कर सकते हो। फुल डिटेल के साथ मैंने आपको चीज़ें समझाई हुई हैं। बाकी गाइस मैं आपको यही कहूँगी, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसको आगे जरूर शेयर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।